दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में जानेंगे और समास कितने प्रकार के होते हैं इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। दरअसल दोस्तों ये जो समास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समास कितने प्रकार के होते हैं और ये हर साल बोर्ड परीक्षाओं में क्लास 10th और 12th के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जानते हैं समास के बारे में। समास क्या है? दरअसल कहा जाता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द बनाते हैं समास कहलाते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक आप देखेंगे जो शब्द होंगे वो मिलकर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं बनाते हैं उन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं, राइट। और आप देखेंगे समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक एक के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। ये अव्ययी भाव समास क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, बात समझ में आई, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। अब जरा आप समझिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो ये कैसे उपसर्ग होते हैं जो जुड़े होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, ठीक। जैसे प्रथा आ जाए, प्र आ जाए, पर आ जाए, निर आ जाए, आ जाए, अन आ जाए, भर आ जाए। दोस्तों ये सब जो होते हैं ये अव्ययी भाव समास होते हैं, यानी किसी शब्द के पहले ये उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं, ठीक। अब यहां पर दोस्तों हम लोग जानेंगे तत्पुरुष समास। दरअसल समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से निकले तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। अब जरा इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे तत्पुरुष समास में इस प्रकार से आते हैं रंगमंच, वनवास, नेत्रहीन। अब जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर है रंगमंच तो रंग जो है वो किसके लिए है? मंच के लिए है, यानी रंगमंच के लिए, यानी मंच किसके? रंग के लिए, ठीक। वनवास के लिए, वन जो है किसके लिए है? वास के लिए। नेत्र से हीन क्या हो दोस्तों? नेत्र से हीन, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या आ जाए? जैसे अलग करने पर बीच में का, की, के, को, के लिए, में, पर से निकले, ठीक। जैसे रंगमंच के लिए, वनवास के लिए, नेत्र से हीन, ठीक। तो ये सब जो दोस्तों शब्द आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी तत्पुरुष समास, ठीक। दोस्तों हम लोग जानेंगे कर्म धारण समास के बारे में। ये कर्म धारण समास है क्या? शब्द के दूसरे पद में विशेषता बताई जाती है। अब जरा समझिए कैसे, शब्द के दूसरे पद में दोस्तों क्या बताइए? विशेषता। कैसे लगाकर देखने पर शब्द यदि तुरंत मिल जाए तो यही समास जो है वो कर्म धारण समास हो जाता है। हमने कहा कैसे लगाकर देखने पर शब्द यदि तुरंत मिल जाए तो यही समास कर्म धारण समास कहलाता है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, मृगनयन। दोस्तों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? मृग नयन, यानी मृग के नयन, मृग ध्यान दीजिए दोस्तों जो नयन होते हैं वो किसके समान होते हैं? मृग के समान। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कहना क्या चाहते, नयन मृग के समान। यानी हमने कहा दोस्तों कैसे लगाकर शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, कैसे लगाकर देखने पर शब्द यदि तुरंत मिल जाए। जैसे कैसे हो मृग के जो नयन हो मृग के समान, यानी नयन कैसे हो दोस्तों? मृग के समान। तो हमने देखिए कैसे लगाया, नयन कैसे हो मृग के समान, तो शब्द तुरंत मिल रहा है तो ऐसे हम लोग समास क्या कहें? कर्म धारण समास। अब दोस्तों यहां पर आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? योजक का चिन्ह लगा हो विग्रह करने पर और आए। योजक यहाँ पर देखिए दोस्तों दाल और रोटी के बीच में योजक का चिन्ह लगा है, लेन देन के बीच में योजक का चिन्ह लगा है, तो हमने कहा योजक का चिन्ह लगा हो विग्रह करने पर और आए, यानी दाल और रोटी, लेन और देन, ठीक। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे द्विगु समास। ये द्विगु समास क्या है? इस समास में पहला पद संख्या होती है, पहला पद जैसे पंचवटी, नवग्रह, ठीक, दशानन, ये सब जो होते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे बहुव्रीही समाज के बारे में। ये बहुव्रीही समाज है क्या? अब ध्यान दीजिए बहुव्रीही समाज किस प्रकार समाज होते हैं? इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए शब्द आते हैं। हमने कहा इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए शब्द आते हैं, ठीक। जैसे त्रिनेत्र, लंबोदर, दशानन, प्रधानमंत्री, ठीक,
त्रिनेत्र, लंबोदर, दशानन, प्रधानमंत्री। तो ये दोस्तों जो हैं ये बहुव्रीही समास के अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीही समास है क्या, इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची सब समूह के लिए शब्द आते हैं, तो ऐसे समास को हम लोग बहुव्रीही समास, जैसे देवी देवताओं त्रिनेत्र है, लंबोदर है, दशानन है, प्रधानमंत्री है। इसके बाद दोस्तों हम लोग हिंदी संबंधित अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स प्रोजेक्ट, थैंक्स लोड, धन्यवाद।